हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप लोग फ्री फायर मैक्स में अपने प्रोफाइल के नाम के आगे भी बैचेस यानी कि वेरीफाइड बैचेस कैसे लगा सकते हो। फ्रेंड्स, आपने बड़े बड़े यूट्यूबर के नाम के आगे भी बैचेस देखा होगा यानी कि वेरीफाइड बैचेस। तो आप लोग को भी इच्छा होती होगी कि अपने प्रोफाइल के नाम के आगे भी बैचेस यानी कि वेरीफाइड बैचेस लगाने की। तो इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने नाम के आगे भी बैचेस कैसे लगा सकते हो। इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आप लोग अपने प्रोफाइल के नाम के आगे भी बैचेस यानी कि वेरीफाइड बैचेस नहीं लगा सकते, क्योंकि वेरीफाइड बैचेस उन्हीं को मिलता है जो लोग फ्री फायर के पार्टनर प्रोग्राम से जुड़े होते हैं, जो गरीना वाले उन्हें खुद देते हैं। इसलिए आप लोग प्रोफाइल के नाम के आगे भी बैचेस नहीं लगा सकते। तो आप लोग एक चीज़ कर सकते हो कि आप लोग अपने प्रोफाइल के सिग्नेचर वाले सेक्शन में अपने नाम के आगे भी बैचेस लगा सकते हो, जो कि आपको देखने में एक यूनिक लगेगा। एंड कोई भी प्लेयर अगर आपकी प्रोफाइल को चेक करता है तो उसे देखने में थोड़ा सा यूनिक लगेगा, एंड वो भी सोचेगा कि कैसे आपने सिग्नेचर वाले सेक्शन में अपने नाम के आगे भी बैचेस कैसे लगाया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोग अपने प्रोफाइल के सिग्नेचर वाले सेक्शन में अपने नाम के आगे भी बैचेस कैसे लगा सकते हो। फ्रेंड्स, के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन में आ जाना है। प्रोफाइल में आने के बाद आपको ऊपर में एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, उसके बाद आपको नीचे में लास्ट में सिग्नेचर का एक ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपका जो भी लिखा होगा यहाँ से उसे आपको हटा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको कोड को पेस्ट करना है, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से कोड को कॉपी करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो गेम्स विद रिशु नाम रखा है, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, इससे आपको हटाकर अपना गेम में जो भी नाम है यहाँ पे आपको नाम को कॉपी कर लेना। अगर आपका गेम का नाम को कॉपी करने नहीं आता तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख लेना। उसके बाद आपको नाम कॉपी करना आ जाएगा, तो आपको गेम्स विथ रिशु जहाँ पर लिखा है वहाँ पर इसे हटाकर अपने नाम को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना। जब आप इतना सब कर दोगे उसके बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सिंपल से यहाँ से कट कर देना। जैसे ही आप कट कर दोगे तो आपके प्रोफाइल में यहाँ पे जो कोड है एंड जो अपने गेम का नाम लिखा है यहाँ पे आपको शो करेगा। तो फ्रेंड्स, अभी आपको जो सिग्नेचर में कोड एंड आपका जो नाम शो कर रहा है ये सिर्फ आपको देखने में लग रहा है। एक्चुअली में यहाँ पे आपका सिग्नेचर वाले सेक्शन में नाम के आगे भी बैचेस लग चुका है, ये सिर्फ आपको देखने में लग रहा होगा। अगर आप अपने खुद के प्रोफाइल में जाके चेक करोगे तो आपको सिग्नेचर वाले सेक्शन में आपका कोड ही शो करेगा नाम के आगे। लेकिन यदि कोई प्लेयर अगर आपकी आईडी को यानी कि प्रोफाइल को देखता है तब उसको नाम के आगे भी बैचेस शो करेगा सिग्नेचर वाले सेक्शन में। चलिए आपको दूसरा आईडी से दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दूसरा आईडी लॉगिन कर रखा है, एंड यहाँ पे चलिए अपना प्रोफाइल दिखाता हूँ मेन आईडी का, जिसमें मैंने भी बैचेस लगा के रखा था सिग्नेचर वाले सेक्शन में। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना गेम का यूआईडी नंबर डाल दिया, एंड यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने प्रोफाइल में आ चुका हूँ। तो फाइनली देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपना प्रोफाइल के सिग्नेचर वाले सेक्शन में भी बैचेस शो कर रहा है नाम के आगे, जो कि देखने में थोड़ा सा यूनिक लग रहा है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से अगर कोई भी प्लेयर अगर आपकी आईडी को देखता है यानी प्रोफाइल को चेक करता है तब उससे वहाँ पर सिग्नेचर वाले सेक्शन में भी बैचेस शो करेगा नाम के आगे। अगर आप अपने खुद के प्रोफाइल में जाके चेक करोगे सिग्नेचर वाले सेक्शन में तो आपको वहाँ पर कोड दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप अपने प्रोफाइल के सिग्नेचर वाले सेक्शन में नाम के आगे भी बैचेस लगा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना सही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।